सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। आज की मैं आपको इस वाले वीडियो में दिखा रहा हूँ। जैसे भैया आप भी अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, लेकिन उसको आप पता कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वाले वीडियो में काफ़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। जैसे देखिए, आप अपने जैसे फ़ोन नंबर, जैसे यहाँ पे ओटीपी आता है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और जैसे आपको पासवर्ड जैसे ध्यान नहीं पुराने वाला, फिर भी कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप पासवर्ड पता कर सकते हैं जीमेल आईडी का, ईमेल आईडी का, ठीक है। तो आपको काफ़ी आसान वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप देख लो, और आपके लिए वीडियो बहुत ही बढ़िया है, मस्त है, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी आसान भाषा में बात करते हैं, फ़ोन में दिखाते हैं आपको साइड के अंदर, ओके। अब देखिए, जैसे मतलब हमारे पास जो स्मार्टफोन आता है, ठीक है, देखिए जैसे कि आपका स्मार्टफोन, चाहे जैसे कि आपका स्मार्टफोन जैसे कि चाहे रेडमी का हो, चाहे वो रियलमी का हो, चाहे कोई सा भी स्मार्टफोन हो, कोई सा कंपनी का हो, सबके लिए जो तरीका है एकदम सेम है पासवर्ड पता करने का जीमेल आईडी का। मैं आपको वीडियो में लाइव दिखा रहा हूँ, फोन के साथ में यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, अब मतलब आपको अपनी जाना है फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाएंगे, इस तरीके से गया फोन के सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको एक चीज ढूंढनी है, आपके फोन में मिल जाएगी, ढूंढोगे तो यहाँ पे जैसे कि आप जैसे नीचे करेंगे, नीचे करेंगे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा गूगल। जैसे कि यहाँ पे मेरे में गूगल आ रहा है, आपके फोन में गूगल अकाउंट आ सकता है, तो तरीका सबका सेम है, मस्त तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको सिर्फ क्लिक करना है, इसे भी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ मतलब आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन ये वाला, ठीक है। इसके बाद में आपको क्लिक करना है मैनेज योर अकाउंट पे, कहाँ करना है, मैनेज योर अकाउंट पे यहाँ पे करना है क्लिक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। अब इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपकी पूरी डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है कि आपका क्या नाम है, क्या मतलब क्या क्या इसमें अंदर है, सब कुछ है। लेकिन भैया आपके फ़ोन में जैसे कि ईमेल आईडी अगर 2, 3, 4 हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं, सीधी बात है पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भैया आपका बहुत जो कि आपका ओटीपी वेरीफिकेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, और ये आपका पासवर्ड ध्यान नहीं पुराने वाला, फिर भी आसान से आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। वीडियो बहुत बढ़िया शूट कर रहा हूँ सबके लिए, वीडियो एकदम पूरा देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे मतलब आपको जो यहाँ पे दिखता है ऑप्शन, जैसे कि हम ऐसे करते हैं, इस तरीके से मैंने किया, ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने किया, तो यहाँ पे आपके सामने आता होगा क्या आता है, क्या आता है यहाँ, तो आपके सामने आता है सिक्योरिटी, करेंगे क्लिक, सिक्योरिटी पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में और आपके सामने आ जाते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपके सामने एक चीज़ दिखेगी जो कि मैं आपको इस वाले वीडियो में दिखा रहा हूँ एकदम लाइव, और भैया काफ़ी अच्छा वीडियो आपके लिए रहने वाला है। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा साइनिंग, क्या लिखा है, साइनिंग इन टू गूगल, साइनिंग इन टू गूगल, यहाँ आपका पासवर्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है। वीडियो एकदम मस्त है, देखिए, और वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। यहाँ जाएंगे, नीचे पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में आ जाता है आपके सामने, ये जो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, मेरे सामने खुल चुका है। जैसे मतलब भैया आपने जो पासवर्ड, जैसे आप यहाँ पे कि जैसे यहाँ पासवर्ड डालते हो कुछ, ठीक है, तो वैसे कि आप यहाँ पे भूल चुके हो, ठीक है, ओके, पासवर्ड तुम भूल चुके हो, पता करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो आप एकदम लाइव देखिए वीडियो को, वीडियो को लाइक करते चलना, पहले बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ मतलब आपको नीचे दिखा हुआ क्या दिख रहा है, फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ आपका भैया नंबर नहीं लिया जाएगा, जैसे आपको पासवर्ड ध्यान नहीं पुराने वाला, फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत सही शूट कर रहा हूँ। अब तुम करना है क्लिक पासवर्ड वाले पे, करना है क्लिक जो लिखा है फॉरगेट पासवर्ड वाले पे, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं सामने आपके है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब मतलब आप खुद देखेंगे, और यहाँ पे देख क्या आया, अब मतलब खुद देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, ठीक है। तुम देखो क्या आया यहाँ पे, यहाँ पे क्या आया है, अकाउंट रिकवरी यहाँ पे लिख के आ गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है यूज योर स्क्रीन लॉक, जैसे भैया अपने फोन में जो लॉक लगाते हैं ना, जो खोलते हैं उसको, ठीक है, तो हम करेंगे कंटिन्यू इसी पे, ठीक है, हमने यहाँ कंटिन्यू करा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लॉक होता है आपको यहाँ पे दे देना है, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो मैंने डाल दिया, सो आप कन्फर्म कर देना, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद में जो भी आपके फोन में तो डाल देना, ठीक है, ओके। अब देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भैया अपना न्यू पासवर्ड डालने, नीचे कंफर्म पासवर्ड डालने, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा ध्यान भी हो जाएगा, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बता रहा था मैं, और देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका, जैसे कि जो आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, भैया पुराना पासवर्ड ध्यान नहीं, कोई बात दिक्कत बात नहीं, इस तरीके से कर सकते हो चेंज, ठीक है। अब तुम आगे देखो, जैसे कि मैं ये जो है, अब देखिए मैं अपने पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ पहले मैं यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि भैया आप जानते हैं कि यार वीडियो देख बनाना काफ़ी सही बात है, लेकिन यार आपको दिखाना भी अलग बात है ना, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। ऐसे पासवर्ड डाल दिया हमने, ठीक है, हम इसे करेंगे चेंज पासवर्ड, क्या करेंगे, चेंज पासवर्ड करेंगे, इस तरीके से चेंज करेंगे,
तो ये जैसे कि मेरे को मैसेज जैसे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, वो तो मैच नहीं कर रहा है पासवर्ड, ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ इसको, ठीक है। आपको जो पासवर्ड जो आप डालेंगे वहाँ पे आपको नीचे वही आपको डाल देना जो कंफर्म पासवर्ड वाला होता है, ठीक है। सिर्फ आप करेंगे चेंज पासवर्ड, इस तरह से क्लिक करेंगे चेंज पासवर्ड पे, लेकिन कुछ और डाल देता हूँ कि गूगल बोल रहा है कि थोड़ा लंबा पासवर्ड डालो किसी को पता ना चले, गूगल ऐसा बोल रहा है मुझे, ठीक है। तो तुमसे भी ऐसे बोलेगा तो तुम कर लेना, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइव, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरह से डाला। अब करेंगे चेंज पासवर्ड, करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद में तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा गया है, सिक्योर योर के लिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको पासवर्ड ध्यान भी हो गया, आपको याद भी आ गया है। हाँ भैया, आपका ओटीपी नहीं लिया मैंने, मोबाइल नंबर का ओटीपी नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि पुराना पासवर्ड आपको ध्यान नहीं है तो भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सही रहा होगा वीडियो। आप करेंगे गेट स्टार्ट, करेंगे क्लिक इस तरीके से, और भैया आपकी जीमेल आईडी का है, पासवर्ड है, एकदम यहाँ से चेंज हो चुका है। तो आपको इस वाले वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा होगा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया कि भैया अपने आप जीमेल आईडी का जो पासवर्ड होता है आसानी से पता कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और मतलब तो पता कर सकते हैं, सीधी बात है, आप कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझा, वीडियो लाइक करिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दौर पर सेट, जहाँ भैया आपको सबसे पहले वीडियो मिल पाए, और नीचे कोई कमेंट वगैरह हो तो नीचे लिख देना कि वीडियो कैसा लगा, और आपके मैं इसे जो वीडियो लेके आया था यार, कहीं बढ़िया वीडियो था, कि तब काफ़ी समय बाद जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमको जो कि ओटीपी वगैरह आ रहा है फ़ोन में, हमको ध्यान नहीं भाई क्या कैसा है, तो पूरी आपको जनरेट खत्म कर दी मैंने, इस तरीके से पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और आपको मैंने इस वाले वीडियो में काफ़ी आसान भाषा में बता दिया है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, काफ़ी लोग जान पाएँ, और काफ़ी अच्छे ट्रिक रहा मैंने आपको बताया इस वाले वीडियो में, तो आप देखते रहिए।